आवाज सही आना, आ जाओ करीब। तुम इधर उधर मत देखो, तुम्हारा ध्यान तो मैं इधर होना। ये शुरू आओ रीडिंग करते हैं, पांच जो वॉवेल्स हैं आपको पता है, बोलिए कौन से पांच वॉवेल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर फाइव वॉवेल्स। और शाबाश, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर फाइव वॉवेल्स और बाकी के कॉन्सोनेंट्स। गुड गुड। तो अब बताइए वाला कॉन्सोनेंट्स कौन से लेटर्स हैं? बोलिए बी, यस, सी, यस, डी, ई, एफ, जी, एच। सो ये पांच लेटर्स छोड़कर जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अब हम वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन या उसका तलफ्फुज पढ़ रहे हैं कि पहला वॉवेल है ए, ए को किस तरह पढ़ते हैं। हमको रटना नहीं, इंग्लिश रटने की लैंग्वेज नहीं है। रीडिंग करने के लिए हमको सीखना है कि कौन से वॉवेल का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी आवाज, उसकी फोनेटिक्स क्या होगी। तो आज हम पहला वॉवेल ए, इसकी फोनेटिक्स देख रहे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो यहां पर हमने ए के तीन साउंड, तीन आवाजें लिखे हैं। पहला क्या है? ए, आए, ओ। अब अगर ए के बाद एम या एन ये लेटर्स आए, उसके लास्ट में ई आए, तब ए को ए पढ़ा जाता है, ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे वेरी गुड। आपको ये रूल अच्छे से याद हो जाएगा तो आपको इंग्लिश की रीडिंग या इंग्लिश के वर्ड्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फौरन समझ लेंगे, अरे अपने को ए के बाद एम या ई आया तो सर ने ये बताए कि उसको ए प्रोनाउंस करना है, ए पढ़ना है। उसके बाद दूसरा रूल है ए, तो वो याद रखना है आपको कि दो कॉन्सोनेंट लेटर्स, टू कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में जब ए आए, जैसे यहां पर एच कॉन्सोनेंट है और टी कॉन्सोनेंट है, तो ए को ए प्रोनाउंस करना है, ए, सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम देख रहे हैं कि एच और ए टी के बीच में ए है, इसलिए ए को ए पढ़ेंगे। पढ़िए फिर Now, move to the third rule. तीसरा रूल ये है कि अगर ए के बाद डबल एल या सिंगल एल ये लेटर आते हैं तब ए को औ प्रोनाउंस करना है, ए पढ़ना, औ पढ़ना है। जैसे ये पहला वर्ड बताइए वाला पढ़कर, Man.
हाँ जी शुरू।